और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है जहां पालकों ने स्कूल में ताला जड़ा है। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। जर्जर स्कूल भवन होने से पालकों में काफी ज्यादा आक्रोश था और लंबे समय से स्कूल भवन की यहां पर मांग भी हो रही थी। 1 से 8वीं तक के छात्र छात्रा एक ही कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर थे और तकरीबन 89 संख्या दर्ज है इस स्कूल में। मैनपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल केंदुपाठी का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जिससे पालक काफी ज्यादा आक्रोश हो गए और उन्होंने स्कूल में ताला जड़ दिया। यह बड़ी खबर इस वक्त की संवाददाता थनेश्वर बंजारे से। ऐसे क्या समस्या हुआ जो आप ताला लगाए? देखिए, हमारे केंदुपाठी के एकदम विद्यार्थियों को विगत कई वर्षों से एकदम शासन प्रशासन के द्वारा भी मांग की जा रही है। एक जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है उनको भी मांग किया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल चाहिए, जो जर्ज हो गया है मिडिल स्कूल। अभी दोनों स्कूल पहले से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को इसमें पूरा एकदम पूरा बैठा के एकदम पढ़ाया जा रहा था, लेकिन 3-4 वर्ष से जो है ना इसमें पूरा एकदम पूरा पानी टपकना चालू हो गया। पर बच्चों को एकदम कई बच्चों को तो एकदम चोट तक के भी आ गई है, जो एकदम छोटा छोटा जो एकदम गिर गया था सीमेंट वाला, तो उसी को एकदम पूरा देखते हुए पूरे गाँव वालों ने सोच विचार किया और पूरा एकदम ताला जड़ने का एक ही निर्णय है। शासन प्रशासन तो कई बार एकदम गुहार लगा चुके हैं, कई शिविर में भी दे चुके हैं, प्लस पंचायत प्रस्ताव भी एकदम कई बार एकदम जा चुका है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन को भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया, इसलिए पूरे ग्रामीणों की ओर से एक ही रास्ता है ताला जड़ने का बोल करके यही पूरा कदम उठाया गया है। मेरा नाम दीपक सागर। यहाँ का समस्या ये है सर कि 2-3 साल नहीं, यहाँ 6-7 साल हो चुका है, जर्जर होते होते अभी ज़्यादा हो गया। वो जो गिट्टी सीमेंट जो है ना, बच्चे लोग बैठे रहते हैं वहाँ, उनके सिर में पड़ता है। अपना बच्चा को तो अपने को प्यार है, लेकिन भविष्य के लिए पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो इधर स्कूल जर्जर होने के कारण बड़ा मुसीबत होने जा रहा है। बड़े 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 नेता लोगों को पंचायत से लेकर के जिला ऑफिसर तक के बोलते हैं सर, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का एक मनोरंजन भवन नहीं है ना, कोई स्कूल नहीं है। प्राय कम से कम 10 साल हो चुका है हमारे जो प्राइमरी स्कूल, वो तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, आप आगे तरफ देख सकेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि इसको ताला बंद किया जाए, तब इसका कोई व्यवस्था होगा करके। क्या नाम है दादा? मेरा नाम प्रेम सिंह नागेश।